नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आप दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल टेक इन्फो यू नीड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सी एप्लीकेशन हैं, बहुत से ऐप्स हैं, और इसके अलावा बहुत से माइक आ चुके हैं जिनके जरिए आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन लाए हैं। अगर आप जहाँ पे वॉइस कर रहे हैं वहाँ पे अगर नॉइज़ ज़्यादा होता है, आप चाहते हैं कि नॉइस रिड्यूस हो जाए, आपकी वॉइस में ज़्यादा नॉइस ना आए, तो दोस्तों आपके लिए कमाल की और बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन लाए हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और आखिर तक देखें, और हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो यूनिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी करें। इस वीडियो में हम आपको रैकफोर्ज 2 प्रो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप रैकफोर्ज 2 प्रो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, कहां से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी सेटिंग कैसे होती है, ये प्रॉपर आपको गाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में चल के आपको प्रॉपर बताते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप दोस्तों रैकफोर्ज के ज़रिए वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पे थंबनेल से रिलेटेड वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड भी बना रहे हैं दोस्तों, और भी मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल टेक इन्फो यूनिट को लाजमी से सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप दोस्तों रैकफोर्ज के ज़रिए वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रैकफोर्ज एक कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों। रैकफोर्ज आप टाइप करें प्ले स्टोर पर। दोस्तों, जैसे हम रैकफोर्ज को टाइप करते हैं प्ले स्टोर पर, ये देखें हमारे सामने रैकफोर्ज 2 का आया हुआ है कि भाई आप इसको इंस्टॉल करें। ये देखें 1 मिलियन डाउनलोड हैं, 9.4 की इसकी MB की एप्लीकेशन है, 3.3 की रेटिंग है और रिव्यूज़ इसके 16,000 हैं। हम रैकफोर्ज प्रो करते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि रैकफोर्ज प्रो, ये देखें दोस्तों रैकफोर्ज प्रो है, ये एक ही एप्लीकेशन, लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया हुआ, और भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैंने इसको वहाँ से किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये इनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। इस वजह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रैकफोर्ज का ओवरव्यू देने वाला हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको रैकफोर्ज के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप इसके फ़ीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। कमाल की एप्लीकेशन दोस्तों, सिंपल आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऑलरेडी मैंने वॉइस जो रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पे आई हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आया दोस्तों, यहाँ पे ये है, और इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके इस जगह पे दोस्तों आप एक न्यू वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जैसे कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं अभी मेरी वॉइस वीडियो में आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इसमें आ रही होगी रैकफोर्ज में। अभी हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं दोस्तों। हमने इसको यहाँ पे क्लिक करके क्लोज़ कर दिया। अभी ये वाली वॉइस जो हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पे आ गई है दोस्तों, ये देखें। इसके अलावा दोस्तों कमाल की एप्लीकेशन, इसके अलावा होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे ये होगा। इसके अलावा इसकी आप डायरेक्टरी भी सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी बाकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि इसकी ऑडियो की आप क्या रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, ये सारा कुछ दोस्तों। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश होती है, लेकिन आप जर्मन वगैरह जो भी यहाँ से करना चाहते हैं, अरेबिक है, इटालियन है, हंगरियन है और इसके अलावा तुर्किश है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और हमें समझ भी आ जाती है। इस वजह से दोस्तों, इसके अलावा टैप पर क्लिक करेंगे, टैप टू फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, फुल स्क्रीन हो चुकी है अभी एप्लीकेशन, या फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ पे सेंड फीडबैक है, अबाउट है, क्वाइट है। दोस्तों अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसके अबाउट में ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर पब्लिश है, इनका ई मेल क्या है, फेसबुक अकाउंट कौन सा है इनका, ट्विटर अकाउंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ से आप इनके ज़रिए हेल्प कर सकते हैं, और अगर कोई इशू आता है पेड वर्जन अगर आपने लिया हुआ है तो इनको बता सकते हैं, तो ये आपका इशू रिजोल्व कर देंगे वहाँ से। दोस्तों आप इसको यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें स्किप साइलेंस का भी ऑप्शन है, स्किप साइलेंस पे आप क्लिक कर सकते हैं, साइलेंस नहीं आएगा। इसके अलावा
रिकॉर्डिंग टाइम है कि भाई कितने सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, शेड्यूल रिकॉर्डिंग है भाई कितनी देर के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जब आप क्लिक करते हैं, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल को कहीं पे रख रहे होते हैं तो आप क्लिक करके चले जाते हैं तो दोस्तों ये तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप शेड्यूल रिकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके जितना सेकेंड लगा के जाएंगे उतने सेकेंड के बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, जब भी आप मतलब कि वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल बनेगी, वॉइस प्रोफेशनल होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रैक फॉर टू के हवाले से वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।